नमस्ते भाई और बहनों, मैं आईआईटी पलक्कड़ भी गया था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मुझे कम से कम 1 साल हो गया है। मैं पिछले साल गया था, लेकिन फिर मैंने वीडियो वीडियो सब बनाई थी, मैं डालना भूल गया था। तो मैं अभी कल बैठ के देख रहा था कि मोबाइल की मेमोरी इतनी फुल क्यों है, तो मैंने चेक किया, फिर मुझे याद आया कि मैंने पलक्कड़ के बारे में डाला ही नहीं। तो मैं आईआईटी पलक्कड़ गया था पूरा, मतलब मैंने वही जैसा सेम आईआईटी मंडी के लिए सब बनाया है, वैसे ही इसके लिए भी मैंने सेम वैसा ही बनाया है कि मैं कैसे गया, कैसे पहुंचा वहाँ पे, क्या क्या हुआ, लोकेशन वगैरह पूरी जगह पूरी डिटेल में सब कुछ मैंने जितना मैं बना सका। फर्स्ट टाइम गया था तो उस हिसाब से मैंने जो कुछ भी बनाया। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ट्रेन से, जैसे अपन ने मंडी का स्टार्ट किया था, तो फिर चलो चलते हैं। उसके बाद फिर हम पहुंचे थे स्टेशन, तो ये स्टेशन का व्यू। स्टेशन पे पहुंचने के बाद जैसे ही हम लोग मतलब जब ट्रेन में ही थे, तो हमें एक फैमिली मिली थी जो कि मतलब अपने बच्चे से मिलने जा रही थी, जो कि एनआईटी कैलीकट में था। तो मुझे इतना कुछ अच्छे से मैप याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है केरला में हमने एंट्री मारी थी ट्रेन से। उसके बाद फिर वो लोग केरला में ही उतर गए थे, फिर वहाँ से वो लोग शायद बस से जाने वाले थे क्योंकि शायद वहाँ ट्रेन नहीं जाती थी, ऐसे कुछ सीन था। लेकिन एनआईटी कैलीकट था, मेरे को अच्छे से याद है, शायद कैलीकट, अब मुझे वो भी याद नहीं आ रहा वो कौन से स्टेट में, क्योंकि अब वो काफ़ी दूर हो गया ना इन सब चीज़ से, तो मैं इतना रिमेंबर नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद वो हम पहले फैमिली से मिले थे, फैमिली ने बताया था कि उनका लड़का ऐसे एनआईटी कैलीकट वगैरह में, मैंने बताया मैं आईआईटी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो उन्होंने फिर अपने, हम जब स्टेशन पर उतरे तो उनका लड़का उनको लेने आया था स्टेशन, तो उससे फिर मैंने बातचीत करी, तो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी थी वहाँ पर कि मतलब आपको कैसे आईआईटी पलक्कड़ जाना, क्योंकि एक तो वो लोग साउथ इंडियंस थे लेकिन उनकी फैमिली को, नहीं, वो साउथ इंडियंस नहीं थे, सॉरी सॉरी, वो बिहार के थे, लेकिन उनका लड़के को थोड़ी बहुत आती थी वहाँ पे, इंग्लिश भी आती थी, और वो वहाँ पे 4 साल से बीटेक कर रहा था, वो एमटेक नहीं कर रहा था, तो उसको थोड़ा बहुत बात करना आता था। तो उसने ऑटो रिक्शा वालों से थोड़ी बातचीत करी, उसके बाद उसने बताया कि वहाँ पे क्या, उसने ऑटो वालों से बात करी, फिर उसने मतलब अपने फ्रेंड से भी पूछा जो वहीं का रहने वाला था पलक्कड़ का, तो पलक्कड़ में उसने बताया कि आप कैसे कैसे जा सकते हो, उसने बताया एक ऑटो कर लो, फिर क्या कहते हैं ऑटो से आप वहाँ जा सकते हो, क्या कहते हैं डायरेक्ट वो कुछ 500 हज़ार, मतलब 1,000 रुपये से कम के बीच में ही लेगा ऑटो वाला, तो उस बीच में आप पहुँच जाओगे। हमसे कुछ उसने 600 नहीं 800 कुछ लिए थे, पता नहीं कितने लिए थे, लिए थे, और वैसे दूर भी था स्टेशन से, इतना पास भी नहीं था। तो वैसे मैं बताऊंगा कि अपने जो आईआईटी पलक्कड़ है उसके पास भी एक रेलवे स्टेशन है, अगर आप वहाँ की ट्रेन मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो उस स्टेशन से आप डायरेक्ट आईआईटी मंडी, वो सॉरी आईआईटी पलक्कड़ जा सकते हो, वहीं के वहीं, मतलब स्टेशन से उतरे थोड़ा चलना पड़ेगा आधा 1 किलोमीटर, फिर वहाँ से वहीं के वहीं आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी फिर हम लोग स्टेशन से, फिर हमने वही ऑटो लिया, और उस फैमिली के साथ हम लोग फिर शायद होटल भी हमने उन्हीं के साथ ढूंढा था, मतलब आते समय तो हमने स्टे नहीं किया था उस होटल में, जाते समय किया था, तो वो बाद में बताऊंगा उस होटल के बारे में। तो हम लोगों ने फिर ऑटो वाले से बात करी, और ऑटो वाले से हम बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसको क्या कहते हैं इंग्लिश हल्की फुल्की आती थी, और बाकी उसको मदर टंग आती थी उसकी, हम हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। तो हमने थोड़ा इशारों में ही बात करके, हमने पहले तो बोला कि हमें वेज खाना है, क्योंकि वहाँ पे हर दुकान में नॉन वेज मिलता है यार, वहाँ पे बीफ कॉमन है भाई, अगर कोई नॉर्थ इंडियन से है और हिंदू है तो वो बीफ नहीं खाता होगा भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं खाता होगा क्योंकि नहीं खाते हिंदू लोग। तो वहाँ पे मैक्सिमम दुकान में था, तो हमें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आई थी, हमें भूख भी लगी थी, हम लोग ट्रेन से सुबह सुबह उतरे ही थे, और नहाने धोने का पूरा मतलब कुछ नहीं किया था, तो वही था, हमने कहा यार हम भूख लग रही, हमने कहा ब्रेकफास्ट चाहिए उनको, कहता ब्रेकफास्ट, तो कहते सारी दुकानों में मिलता है, हमने कहा नहीं हमें वेज चाहिए, तो कहता वेज। फिर वो स्टेशन के ही पास में थोड़ा सा आसे आटा घुमा के कहीं कोई एक गली थी वहाँ लेके गया, तो वो वहाँ हमने वेज खाया, और मैक्सिमम हमको वैसे वहाँ की ज़्यादा डिश के बारे में मालूम नहीं था, तो हमने वेज में जो मेन जो होता है अपने यहाँ पे इडली डोसा वड़ा, और मतलब बहुत सारे आइटम्स थे चावल के, बहुत सारे आइटम्स थे, तो हमने वहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हम आईआईटी पलक्कड़ गए, फिर देखो आगे। फिर हम आईआईटी फिर ऐसे पहुंचे, देखिए हम सर्टिफिकेट।
अंदर नहीं जाएगा। तो फिर आईआईटी हम लोग पहुंच गए। अब आईआईटी के अंदर पहुंचने के बाद फिर हमने गार्ड से बात करी, वहां पे एंट्री करी, फिर वहां पे पता चला कि सिर्फ स्टूडेंट्स रुक सकते हैं वहां पे, पेरेंट्स का रुकने का नहीं है। तो वहीं आईआईटी के पास में ही थोड़ा सा दूर, 1-2 किलोमीटर दूर, मेरे पापा ने वहां पे होटल ले लिया था। वो वहां पे होटल काफ़ी महंगे हैं, तो 1000 पर मंथ पर डे कुछ कुछ था। तो उन्होंने 2 दिन वहां रुके थे और मैं 2 दिन वहाँ हॉस्टल में रुका था। हॉस्टल काफ़ी सस्ते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं, वॉशिंग मशीन है, बाथरूम नीट एंड क्लीन है और रूम भी बढ़िया है। और 1 दिन का 80 रुपये कुछ था, तो काफ़ी सस्ता ही है। मैं 2 दिन रुका था, मैंने 2 दिन की उसमें कटवाई थी, स्लिप 160 रुपये मैंने दिए थे उस टाइम पर। तो मतलब मुझे काफ़ी बढ़िया लगा वहाँ पर, मतलब ऐसे व्यवस्था वहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया था और हर फ्लोर पर वॉशिंग मशीन भी थी। और इतने स्टूडेंट्स हैं नहीं, कैपेसिटी काफ़ी कम है आईआईटी पलक्कड़ की, और छोटा सा तो आईआईटी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट पूरा करके रखा था। और वहाँ पे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, आप देखेंगे वहाँ से, तो मतलब पहाड़ वाड़ पूरा एकदम हरियाली दिखती है। मैं ऐसे दिखा देता हूँ उसमें वीडियो में। तो हॉस्टल तो आपने देख लिया कैसा था, अंदर से ऐसा मतलब थ्री बेड वाला ही था, हाँ ऐसे ही था। तो वहाँ पे मतलब वही सेम ही हॉस्टल था, जितने भी लोग आए थे इंटरव्यू वगैरह के लिए वो सब 1 या 2 हॉस्टल में से सब में आ गए थे पूरे। तो वहाँ पे मेरे 2 या 3 दोस्त भी बन गए थे। उनमें से मतलब ये था कि हमारा ऐसा हो गया था कि यार अपन सब लोग MS इंटरव्यू के लिए आए हैं और हर ब्रांच के 1-1, 2-2, 3-3 हैं। तो हमने कहा था हम सबको एडमिशन लेना, हम सब एकदम मोटिवेटेड हैं, हम सब फोड़ देंगे। फिर ऐसे मतलब देखा जाए तो टोटल जो बच्चे आए थे इंटरव्यू के लिए, तो MS के लिए ऐसे 12-15 थे, और ऐसे ही टोटल PhD वालों के लिए ज़्यादा थे, PhD वाले के लिए और ज़्यादा थे, वो भी 12-15 मान लो। तो ऐसे 20-25 लोगों की भीड़ थी। तो इतने लोग इंटरव्यू देने आए थे, पहले तो हम पहली रात बहुत खुश हुए कि इंटरव्यू देने यार कोई आया ही नहीं है, हम ही लोग हैं, तो फिर तो हमारा सिलेक्शन मतलब पूरा पक्का ही है। तो अब तो मतलब हम लोग पूरी जान लगा देंगे इंटरव्यू में। फिर उस रात में हम लोग हॉस्टल में रुके, रात में हम लोगों ने पढ़ा भी, मतलब हम सब लोगों ने आपस में बातचीत कर ली, क्योंकि हम लोग पहले दिन जब आए थे तो सुबह सुबह पहुंच गए थे, और अगले दिन मतलब नेक्स्ट सुबह इंटरव्यू था। तो और जिस दिन हाँ वही था, उसी दिन था सब कुछ, हम लोग मतलब एक दिन पहले ही सुबह सुबह आ गए थे। तो उसमें फिर हुआ ये था कि हम सब लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे थे, फिर जैसे ही उसी दिन जब रात हो गई थी तो मैं फिर ऐसे घूम रहा था अंदर कैंपस के अंदर ही, और देख रहा था मतलब ऐसे मैस वैस में खाना खाया,
खाना मैं एक वीडियो में बताया मैंने कि खाना मुझे नहीं आया पसंद, क्योंकि उनका वो जो टेस्ट था खाने में वो मैक्सिमम वो साउथ इंडियन वाला टेस्ट था। नॉर्मल इंडियन नॉर्थ इंडियन खाने में भी साउथ इंडियन वाला टेस्ट था, और मुझे वो नहीं आया क्योंकि मुझे खट्टा नहीं पसंद। वो लोग एक रसम नाम का कुछ वो उनका एक वो रहता है, फूड नहीं, फूड नहीं मतलब एक ग्रेवी टाइप रहती है, तो वो उनका रहती है खट्टी खट्टी। मतलब बता रहा हूँ कि वो रोटी भी वहाँ पे तवे पे सेक के नहीं दी थी उनने। मैस की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे आप लोकल स्ट्रीट के नहीं बात कर रहा। तो वो रोटी तवे पे नहीं सेकी उनने, वो उनने जाली पे सेकी थी। तो जाली पे सेकी हुई रोटी मतलब वो खाने में मेरे को नहीं आई पसंद। और मतलब जो भी था खाने का मेरे को नहीं आया, वहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया। मैंने 2 दिन खाना खाया वहाँ पर, दोनों दिन मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने कैंपस में घूम रहा था, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन किया मैंने। तो मेरा वहाँ पे एक कोई बीटेक का था जो दूसरे कॉलेज का था प्राइवेट, वो इंटर्नशिप करने आया था। उस टाइम जून का टाइम था, तो गर्मियों की छुट्टियाँ कुछ चल रही थी, तो उसमें मतलब बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने। तो कहता मैं 2-1 महीने की इंटर्नशिप करने आया हूँ। मतलब ऐसा रहता है ना, अपन बीटेक के 3rd ईयर में या 4th ईयर में अपन को वो दिया जाता है कि गर्मियों में इंटर्नशिप करके आओ। सबने अपन ने बीटेक कर तो रखी है, तो उसमें पता चलता है कि वो 1-2 महीने का कह रहा था IIT का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अच्छी ही रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो इलाहाबाद कहीं का कुछ का था उसके साथ। फिर ऐसा रात में वो टेबल टेनिस वगैरह खेला खाना खाने के बाद, फिर हम लोग टहलने निकले। तो तब मेरे को जो कुर्सी पे ऐसे बैठे हुए थे घेरा बना के, MS वाले बैठे हुए थे सारे, मैंने रैंडमली बात करी थी तो मेरे को उन्होंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी। तो जो वो खुद मतलब हर ब्रांच में सिर्फ एक ही MS वाला था, वहाँ पर भी मंडी में भी सेम ही सीन था, IIT मंडी में। तो यहाँ पे भी पलक्कड़ में भी मुझे उस टाइम फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैं किसी IIT गया था इंटरव्यू देने, तो उसके हिसाब से मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा MS में एक बच्चा, मुझे लगता था कि मतलब MS का मतलब उस टाइम मुझे MS का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं इंटरव्यू MS का ही देने गया था। लेकिन यही था कि मेरे को उसका कैरिकुलम वगैरह कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि MS में ऐसे ही एडमिशन होते हैं। तो हम फिर मैंने ये चीज़ आके जो MS वाले जितने थे वहाँ पे, हर ब्रांच का एक बंदा बैठा था, VLSI का छोड़ के, हम जिसका मेन इंटरव्यू देने गए थे, VLSI वाला उस टाइम घर गया हुआ था क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी, तो वो किसी काम से था। तो मैंने उन भैया से उनका नंबर लिया, मैंने कहा VLSI का जिन्होंने इंटरव्यू दिया है पिछले साल, तो वो अभी 2nd ईयर में आ गए हैं, तो वो मुझे आइडिया दे सकते हैं कि क्या कैसा इंटरव्यू देना चाहिए। उनका नंबर लिया, उनको कॉल किया, वो साउथ इंडियन, तो उनसे इंग्लिश में पूरी रात में 1 घंटा बैठ के बात करी कि कैसे इंटरव्यू देना चाहिए सर, क्या उनसे कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। और बोला था कि बहुत बहुत एक्सपीरियंस सर हैं जो वहाँ पे VLSI पढ़ाते हैं, वो सुब्रमण्यम मूला उनका नाम है, सुब्रमण्यम मूला। तो वो मतलब बहुत उम्र में बड़े हैं, लेकिन आप सामने से देखोगे तो वो मेरी तरह ही दिखते हैं, पता है, पता ही नहीं चलता कि ये सर हैं कि स्टूडेंट हैं। ऊपर से बाकी ऐसा मैं पूछा था आजू बाजू, तो बोले थे कि साउथ में खाना ऐसा है कि इंसान इतनी जल्दी बूढ़ा दिखता नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर कोई बात नहीं। फिर उसके हिसाब से फिर मैंने मतलब तैयारी करी रात में, अपने दोस्तों को बताया, जबकि एक ही सीट है। तो जितने लोग VLSI वाले आए थे, हम 3-4 थे टोटल, सब 2 सेकंड के लिए दब सब सुनने बैठ गए एकदम चुप, मतलब सन्नाटा छा गया। सिर्फ सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि यार हम सब तो सोचे थे कि साथ में एडमिशन लेंगे, यहीं पढ़ेंगे और साथ में पास आउट होंगे। फिर लेकिन फिर कहते कि भाई तूने क्यों ही बताया हमको ये बैड न्यूज़ दे दी। फिर हमने कहा फिर सबने सब अब फिर सब सेल्फिश हो गए, फिर सब अपना अपना बैठ के पढ़ने लगे। उन्होंने फिर मतलब वो सीन ही बदल गया था, सब अपने अपने रूम में जाके पढ़े, मैं भी अपने रूम में जाके पढ़ा। फिर पहले साथ में पढ़ रहे थे, फिर जैसे ही पोल गिरी तो सब अपने अपने रूम में जाके पढ़ने लगे कि अब सबको भाई जाहिर सी बात है सबको अपना सिलेक्शन चाहिए। वैसे हुआ हम में से किसी का नहीं था जितने लोग उस रात बैठ के पढ़ रहे थे। तो फिर उसके बाद अगले दिन फिर हम लोग फिर रेडी हुए। लेकिन आपको सीन देखना चाहिए रात में शाम का, वहाँ पे मतलब बहुत ब्यूटीफुल था, पहाड़ वहाड़ और पेड़, पूरे पूरा पूरा वीडियो बनाया है, मैंने अभी डालता हूँ।
सोसाइटियों में है, मुस्कुराएंगे लेकिन कुछ दिन मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में मुस्कुराइए, आप आईआईटी में स्टार्ट लो ये वीडियो में आ गया उसके साथ लूं फोटो, वो जो स्कल्पचर जो भी बना हुआ है तो अच्छा है, रात में क्या ही आएगा, दिन में ले लेना, दिन में ले लेना। सर इंटरव्यू कब है? एक दो घंटे बाद होता है। अघोरा, चला अंधेरे में कुछ नाम वगैरह भी नहीं दिख रहा। है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये काहे से बनाया? काहे से ले लेता हूं हमारा। अच्छा हाँ यार, ये भी तुमने तो सारे फोटोज ले लिए होंगे ना, ये पूरा सब कुछ सेक्सी ही सेक्सी इसमें कहीं फव्वारा वगैरह नहीं लगा? तो यहाँ तक देखो, पूरा पूरा मैंने एकदम जितना था पूरा एकदम ओरिजिनल दिखाया है कंटेंट, बीच बीच में जहाँ पे जिसमें ज़्यादा नॉइज थी उसमें गाने डाल दिए, बस ये यहाँ तक का मेन था। क्योंकि फिर इसके बाद फिर हमारा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू हुआ था। पहले हमें पता मेल में क्या लिखा था कि इंटरव्यू होगा, ज़्यादा बच्चे आए तो रिटर्न टेस्ट लेंगे, लेकिन हमको इतना ज़्यादा बच्चे कुछ दिखे नहीं, 20-25 बच्चे ज़्यादा नहीं होते, वो भी सारी ब्रांचों को मिला के, उसमें भी आप फिर टेस्ट ले रहे हो। तो फिर यही हुआ था कि हम जो तीन दोस्त थे तो उसमें से एक तो भोपाल का ही था, मतलब भोपाल का नहीं था, रहने वाला भोपाल का नहीं था, लेकिन उसने भोपाल के TIIT कॉलेज से, मैं भी भोपाल के रहने वाला हूँ, मैंने LNCT से BTEC करी है, उसने TIIT से करी थी, उसका नाम बजरंगी था, वो फोटो में मैं दिखा दूंगा अभी। तो हम लोगों ने फिर यही था कि सुबह उठे, नहाया धोया, और फिर सुबह सुबह उन्होंने बोला कि 10 बजे या 9 बजे कुछ बोला था कि पहुँच जाना था, हम लोग फटाफट मैस से नाश्ता करके फिर जो मेन बिल्डिंग थी उसकी तरफ गए, और फिर वहाँ पे हम लोगों ने बाहर खड़े रहे, थोड़ा सेल्फी वेल्फी ली, थोड़ा घूमा फिरा, और फिर जैसे ही टाइम हुआ मेन, फिर हम लोग बिल्डिंग के अंदर चले गए, वहाँ पे रिटर्न टेस्ट हुआ हमारा, वहाँ पे 1 घंटा लग गया, वहाँ बैठे, अरेंजमेंट हुई, फिर उन बच्चों को अलग अलग बिठाया, VLSI सिग्नल सिस्टम और जितने भी ब्रांचेस थी वहाँ पे, ज़्यादा तो थी नहीं, गिनती की तीन चार तो ब्रांचें थी। तो उसमें फिर हम लोगों ने रिटर्न टेस्ट दिया, रिटर्न टेस्ट देने के बाद उन्होंने बोला था कि अब रिजल्ट जो है वो 1 या 2 बजे तक हम प्रिंट करके जिस हॉल में हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसी हॉल में हम नोटिस बोर्ड पे वो चिपका देंगे कि हर ब्रांच में कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पावर में कौन से हुए हैं, उसमें VLSI में सिग्नल एंड सिस्टम में कौन से, तो लगा देंगे, जब तक आप लोग खाना वाना खाओ और वेट करो। और ये भाई हमारे, और ये भाईजान हमारे, और ये हैंडसम बॉय हमारी क्लास के, यो फक बॉय। फिर जैसे रिटर्न टेस्ट मतलब ख़त्म हो गया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने कैंपस के अंदर ही थोड़ा बहुत घूमा,
घूमने के बाद फिर हम लोग ने अपना बैग वैग सामान रख के बाहर की तरफ निकल गए, मतलब वहाँ पे बाहर थोड़ा हमने कहा पैदल थोड़ा टहल के आते हैं। उसके बाद समुंदर चले चले हाँ टहलने वाला ब्लॉग शायद मैंने डाला है, नहीं डाला मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बनाया था एक छोटी सी एक रील बनाई थी कि हम लोग कौन कौन हैं और मतलब वही ऐसे नॉर्मल जैसे बनता है उसके उसको फिर क्या कहते हैं हम लोग बाहर गए टपरे वपरे थोड़ी दुकानें देखी बाहर की कॉलेज के आसपास क्या क्या है। और मेरे को याद नहीं है ये हम लोग ऐसे घूमने गए थे बाहर तो रिजल्ट के बाद गए थे रिटर्न टेस्ट के या पहले गए थे पता नहीं, क्योंकि रिटर्न टेस्ट के बाद तो हम सबका मूड ऑफ हो गया था। तो अब मैं थोड़ा सा अब एक साल पुरानी बात है तो मैं इतना को रिलेट कर नहीं पा रहा। हम लोग फिर ऐसे गए बाहर गए दुकानें देखी थोड़ी किराने की दुकान उक्की उक्की उसके बाद हाय भाई Hey guys, welcome back to my YouTube video. we all are the failure of for we are side design. मैं नैनो वाला मुझे पता नहीं था नैनो में हुआ है अभी पता चला और पता चला फेल हो गया। फिर वापस आए फिर रिजल्ट देखा शायद पहले ही देख लिया या बाद में मतलब रिजल्ट देखा फिर हम मूड ऑफ हो गया। हमने कहा क्या करें, मैंने पापा को फ़ोन लगाया सबने अपने अपने घर पर फ़ोन लगाया और कुछ का दूसरे IITs में भी इंटरव्यू था तो वो वहाँ चले गए। और फिर मेरा वरंगल में था NIT वरंगल में MTech जो था सेल्फ स्पॉन्सर्ड वाला मैं उसमें जाने वाला था तो मैंने वहाँ से फिर पापा को भोपाल के लिए टिकट बुक किया और मैं वरंगल उतर गया था। रास्ते में ही वरंगल पड़ता है जब आप मतलब भोपाल की तरफ निकलते हो तो नागपुर के बाद वरंगल पड़ता है तो फिर वो वहीं से वहीं निकल गए। लेकिन हाँ उसके पहले हमने और भी चीज़ें करी थी जैसे कि हम लोग जब रिजल्ट मेरा आ गया कि नहीं हुआ तो घर जाने में टाइम था क्योंकि हमने ट्रेन बुक करी थी तो एक दिन बाद थी वो तो उस दिन हमने पूरा जो वहाँ पे पलक्कड़ में ही एक डैम है उस डैम का नाम मुझे याद नहीं मैं अभी वीडियो में या फोटो में डाल दूंगा तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर मतलब डैम गए और वहाँ पे हमने मतलब काफ़ी घूमा पूरे दिन घूमा और उसी रात में फिर हमने होटल में स्टे भी लिया। होटल का भी बताऊंगा पहले डैम का बता दूं जहाँ पे मैं घूमने गया था बहुत प्यारा था मैंने वीडियोज़ और फोटोज़ खींची हैं वो भी मैंने डाली हैं तो वो भी देखो। और उसके बाद फिर मैं अभी आगे देखते जाता तो वीडियो में बताता जाऊँगा।